नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लगभग 700 से 800 करोड़ की लागत से टिही से लगाकर धार तक का नई लाइन का सेक्शन दाहोद इंदौर रेलवे परियोजना में तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि टनल सहित टिही से आगे पीथमपुर, सागौर, गुणावत स्टेशनों के निर्माण कार्य शामिल है। फिलहाल में धार स्टेशन के निर्माण से संबंधित कोई टेंडर नहीं निकाला है। उसके अलावा जो तीन स्टेशन हैं उनके निर्माण के कार्यों हेतु टेंडर फरवरी मार्च महीने में निकाल दिया गया था, लेकिन अभी तक उन स्टेशनों के निर्माण कार्य की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अलबत्ता जो पुराने कार्य थे अर्थवर्क के ट्रैक बिछाने से संबंधित और टनल का कार्य, वह अभी फिलहाल में युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जैसा कि रेलवे के द्वारा जानकारी दी गई थी, टिही से पीथमपुर सेक्शन की लंबाई है 8.2 किलोमीटर, जिसमें कि टिही सेक्शन में बनाई जाने वाली इस सुरंग की लंबाई 3.2 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से करीब आधी टनल की खुदाई संबंधित जो कार्य था वह कर लिया गया है और बाकी कार्य को भी जल्द पूरा करने का दावा रेलवे कर रही है। ये आप देख रहे हैं सबसे ताज़ा नज़ारा। पीथमपुर से लगा के टिही सेक्शन के बीच में सुरंग से आगे पीथमपुर स्टेशन की लोकेशन का भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि वहाँ पर कार्य की क्या स्थिति चल रही। हम लंबे समय से आपको इस पूरी परियोजना के विभिन्न कार्यों की जानकारी और समीक्षा करते रहे हैं जो कि आपके काम की है। सुरंग की बात करें तो वर्ष 2012 में जब इस परियोजना का अलाइनमेंट फाइनल किया जा रहा था तो उस समय महज 40 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए बचाने के लिए यह सुरंग बनाने का प्लान अधिकारियों के द्वारा सोचा गया और अब इस सुरंग की लागत बढ़ते बढ़ते करीब 300 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई है। साथ ही इसमें बहुत अधिक समय भी बनाने में वेस्ट हो चुका है। इससे आगे जो सेक्शन है इसकी अब आप चर्चा करते हैं। पीथमपुर स्टेशन का यह नज़ारा आप देख रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पर 2 लूप लाइन और 1 मेन लाइन बिछाई जा रही है, जिसके लिए 2 लाइनें यहाँ पर इस वक्त बिछाने की तैयारियाँ चल रही है। एक और लाइन जो खाली बची हुई जगह है उसमें बिछाई जाएगी। सिविल कार्यों की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी सिविल कार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन से निर्माण से संबंधित कोई भी गतिविधि इस सेक्शन में फिलहाल में नज़र नहीं आ रही। ऐसा ही कुछ गुणावत और जो सागौर स्टेशन है उसके आसपास भी स्थिति है। वहाँ पर भी केवल जो अर्थवर्क और ट्रैक बिछाने संबंधित स्लीपर और गिट्टी आदि का ही कार्य कुल मिलाकर देखने में नज़र आता है। वर्ष 2024 में रेलवे का दावा है कि धार में ट्रेन चला दी जाएगी, लेकिन यह दावा कितना धरातल पर दिखाई दे रहा है आप सभी के सामने हम समय समय पर बताने की कोशिश करते हैं। बड़े पुलों के टेंडर भी हाल ही में निकाले गए हैं, उनको भी बनने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। धार स्टेशन से संबंधित कोई भी टेंडर नहीं निकाला गया है, तो यह जो डेडलाइन है यह थोड़ी सी हमें तो आगे खिंचती नज़र आ रही है। टिही से पीथमपुर के इस सेक्शन की बनने की तारीख अक्टूबर 2024 रेलवे के द्वारा तय की गई है और आगे के सेक्शन के लिए हमने आरटीआई की अर्जी लगा दी है, जिसके बारे में करीब 7-8 दिन में धार से झाबुआ के बीच के नए अलाइनमेंट की स्थिति भी हम क्लियर करने की अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे। आप सभी के समक्ष हम लगातार इस परियोजना को जल्द से जल्द रेलवे प्रशासन बनाए ऐसी अपील अपने वीडियो के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन जो कार्य चल रहा है वह केवल कागजों में ही संतोषजनक दिखाई देता है, हकीकत में वह स्थिति उलट होती है। हम आपको लगातार इसके बारे में बता रहे हैं और भी अपडेट से समय आते ही आप सभी के साथ में साझा की जाएगी। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप सभी का धन्यवाद।